एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे ही रात होती है और रात के समय स्टार काफी ज्यादा ब्राइट करता है, ये नज़ारा काफी ज्यादा प्यारा होता है ब्यूटी ऑफ नाइट स्काई में। लेकिन दोस्तों, मून जब राइज होता है, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वार्टर मून की, तो वो भी काफी अच्छा दिखाई देता है। और हम जैसे एस्ट्रो फोटोग्राफर, मून के प्रति जो बॉन्ड होता है काफी अच्छा होता है। मून लवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें से एक सर्फेस है जो कि नॉर्थ पोल पर है, उसका नाम है एपिनाइनस माउंटेनस। वो एक पहाड़ की तरह है, उसी को हम लोग कैप्चर करेंगे आज की इस वीडियो में। सो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और वेलकम बैक टू वन न्यू एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो। मून की सरफेस के बारे में बात करते हैं, तो एपिनाइनस माउंटेनस ये बना कब था, ये फॉर्म कब हुआ था? सो दोस्तों, आज से 3.9 बिलियन ईयर एगो की साल पहले ये जो एपिनाइनस माउंटेनस है पहाड़, तब ये बना था। ये इतना साल पुराना है। एपिनाइनस माउंटेनस की हम साइज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी इतनी लंबाई है। और यदि हम माउंटेन की पीक की बात करें तो मतलब हाइट, तो 5000 किलोमीटर है इसकी इतनी हाइट है। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है 5 किलोमीटर। ये इतना बड़ा पहाड़ है एपिनाइनस माउंटेनस जो कि मून के सरफेस पर है। और ये जो एपिनाइनस माउंटेनस है, ये नाम क्या है, मतलब ये एक इटालियन नाम है। एपिनाइनस माउंटेनस को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उनमें से एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर एंड लूनर ऑब्जर्वर हैविस, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था एपिनाइनस माउंटेनस को मून के सरफेस पर। ये बात है 1611 से लेकर 1600 की। सो दोस्तों, ये रहा थोड़ी बहुत जानकारी एपिनाइनस माउंटेनस के बारे में। तो चलिए वेट करते हैं शाम होने का, जैसे ही रात होगा तो एपिनाइनस माउंटेनस को कैप्चर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ रात को। तो रात हो चुकी है और आप देख सकते हैं सामने मून दिखाई दे रहा है, और उसके अगल बगल थोड़े बहुत क्लाउड दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि वेदर कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि स्टार दिखाई नहीं दे रहे थे। तो लेकिन मून काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड -12 पे है इसकी वजह से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।